जी हाँ, एंगल, चैनल, पाइप, रंगीन पत्रे, जाली और लोहे से संबंधित सभी सामान जब मिले एक ही छत के नीचे, तो फिर इंदौर जाने की क्या जरूरत है। न्यू लोहा मंडी, पंधाना रोड, खंडवा। संपर्क 9425085153 और 9407135765। मध्य प्रदेश के खंडवा के कोतवाली थाने के अंतर्गत आने वाले एसएन कॉलेज के सामने आज एक युवाओं की भीड़ ने एक ट्रक को रोका। दरअसल इस ट्रक के पीछे चल रहे युवाओं को इस ट्रक के पीछे से हड्डियों की बहुत ज़्यादा गंदी बदबू आई, जिसके बाद युवाओं ने उसे एसएन कॉलेज के सामने रोक लिया और कोतवाली थाने की टीम को इसकी सूचना दी। कोतवाली थाने की टीम मौके पर पहुंची। थाना प्रभारी बलजीत सिंह बसेन मौके पर पहुंचे, उनके जवान भी पहुंचे। मौके पर सैकड़ों लोगों की भीड़ एकत्रित हो गई और जब तक पुलिस नहीं आई तब तक ट्रक को रोका गया। आपको बता दें, कोतवाली थाना प्रभारी बलजीत सिंह बसेन ने कहा है कि ट्रक में चेक करके कि क्या है और क्यों इतनी बदबू आ रही है, उसके पश्चात ही कुछ बताया जा सकेगा कि आखिर ट्रक में क्या है। लेकिन आपको बता दें, ट्रक के अंदर आप देख सकते हैं बोरे भरे हुए हैं, लेकिन उसमें से जो बदबू आ रही थी वो जानवरों के हड्डी की आ रही है, जिसके चलते जो युवा जिधर से गुजर रहा था उसके पीछे चल रहे थे, उन्हें शक हुआ। उन्होंने इस ट्रक को एसएन कॉलेज के सामने रुकवाया और उसके पश्चात थाने की टीम को सूचना दी। आप देख सकते हैं, ट्रक के ऊपर चढ़कर कोतवाली थाने का जवान बोरी में चेकिंग करने की कोशिश कर रहा है। फिलहाल ट्रक को कोतवाली थाने लेकर जाया जा रहा है और इसकी जाँच पड़ताल के बाद पुलिस की टीम बता पाएगी कि आखिर इस ट्रक में इतनी बदबू क्यों आ रही है, इसमें क्या भरा हुआ है और इतनी बदबू का कारण क्या है। फिलहाल मौके पर काफ़ी लोगों की भीड़ एकत्रित है और आप वीडियो में देख भी सकते हैं, कुछ मिनट पहले की यह घटना है और एसएन कॉलेज के सामने ही घटना है।